नगरसेवक तौफिक शेख यांनी केले मुस्लिम समाजासाठी महाविद्यालयाची मागणी। आज महाराष्ट्र विधानसभा परिषद पुणे पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीमध्ये विक्रमी मतांनी विजय झाल्याबद्दल सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील पदाधिकारी, मतदार बंधू भगिनी व महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नगरसेवक व तसेच आमदार अरुण लाड यांना विजयी करण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी आपले प्रयत्न केले आहे अशांचा सन्मान सत्कार करण्यासाठी आज आमदार अरुण लाड हे सोलापूरच्या दौऱ्यावर होते। त्यावेळेस ताज सोशल ग्रुपचे संस्थापक तथा नगरसेवक तौफिक शेख यांनी अल्पसंख्याक समाजातील तरुण तरुणीसाठी अर्थात मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी डी फार्मसी महाविद्यालयाची मागणी केली व त्या संदर्भात एक निवेदन देखील दिलं। दरम्यान यावेळी उपस्थित नगरसेवक तौफिक शेख, मोहम्मद शेख, असलम शेख, जनाब सर, शोहेब शेख यासह ताज सोशल ग्रुपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। दरम्यान या प्रसंगी अधिक माहिती नगरसेवक तौफिक शेख यांनी दिली। और अरुणा से एक हमारी विनंती है, गुजारिश है कि मुस्लिम समाज को एक डी फार्मेसी कॉलेज की जरूरत है। सोलापुर शहर जिले में सिर्फ दो ही कॉलेज है, तो डी फार्मेसी कॉलेज अगर सोलापुर शहर में अगर हुआ तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो इनका भविष्य एक अच्छी तरह उज्ज्वल होगा और आपको इसके दुआ मिलेंगी, ऐसे मैं गुजारिश करता हूँ। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य मुस्लिम संगठन हमारे उन्होंने भी एक निवेदन दिया है और हमारे सभी पदाधिकारी रियाज भाई, जुल्के का जनाब, नदाब सर, उन्होंने भी अक्सर आपको निवेदन दिया है। ऐसे दूसरा हमारी मांगना है और अभी उसी तरह राष्ट्रवादी महाराष्ट्र राज्य पर हमारे शफी भाई नामदार जी भी निवेदी, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। शफी भाई, आपकी जिम्मेदारी जितने भी शहर के, जिले के नौजवान हो, बेरोजगार है, बेकार लोग है, उनका ख्याल करना, उनको जो मांगनी है, उनकी जो समस्या है, वो सभी नेता लोग के सामने मानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने भी अभी चंद दिनों पहले आदरणीय शरद पवार साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, अजीत दादा साहब हमारी मीटिंग हुई, उसमें संजय मामा शिंदे हो, हमारे संतोष भाव पवार, दिगर हमारे भरत जाधव साहब, इन्होंने हमें साथ दिया है और हमारा मकसद यही है। आदरणीय शरद पवार के जो विचार है, उनके ध्येय धोरण है, ये हमें पसंद है, इसलिए हम हमारे गट के तरफ से हम उनके पास जाकर जो महानगर पालिका में निधि नहीं मिलती, यहाँ पर भाजपा की सरकार है, भाजपा की सत्ता है, लेकिन उन्हें सत्ता चलानी नहीं आ रही, इसलिए शरद पवार साहब के, अजीत दादा के, इनके जो विचार हमें पटे, उनके जो ध्येय धोरण है, उनका काम है, जो उनकी एकता है, ये हमें पसंद है, इसलिए हमने हमारा जो रुझान है राष्ट्र की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह अभी संजय मामा और भारत जगह साहब के हाथ में किस तरह आगे का पाठ पूरा होगा और हम तो तैयार है। इंशाल्लाह साहब आप कोशिश करो, सिर्फ और सिर्फ सोलापुर शहर जिले के विकास के लिए, तरक्की के लिए, हमारे समाज के लिए, कौम के लिए, हम हमारी पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि हमारा ख्याल करें, हमें साथ दे। और हर एक अहम बात पवार साहब के लिए बात ये अच्छी लगी कि हमारे सोलापुर शहर राष्ट्रवादी के माजी आमदार मरहूम इंदुज भाई शेख, जब इनकी मैयत हुई तो कोई नेता ऐसा नहीं कि मैयत होने के बाद सोलापुर शहर में आता है। आदरणीय शरद पवार साहब एक अच्छे आमदार, माजी आमदार का कार्य करते थे, उनके खास दोस्तों में से थे हमारे इंदुज भाई, तो इंदुज भाई के मैयत होने के बाद उनके घर पर सांत्वन करने के लिए पवार साहब आए। ये पवार साहब की जो खूबी है, आदा है, पूरे सोलापुर शहर जिले में छा गई और बशीर भाई भी है, सभी लोगों को मालूम है, ये सब नेता लोग का काम हमें पसंद है, इसलिए अभी महाविकास आघाड़ी की तो बात है, लेकिन हम राष्ट्रवादी की तरफ हमारा रुझान जा रहा है, इसलिए लाड साहब के मामा हो, शफी भाई, जितने यहाँ के भरत यादव साहब है, संतोष बाबू है, जितने यहाँ के राष्ट्रवादी के नेते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि आपका ख्याल हमारे समाज की तरफ, हमारे कौम की तरफ रहे। बेशक हम पदवीधर का इलेक्शन हो, शिक्षक का हो, महानगर पालिका हो, दिगर कोई इलेक्शन न दे, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, मैं आपको वादा करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।